नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीनियर गेस्ट्रो सर्जन डॉक्टर विकेश जोशी। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। डॉक्टर जोशी पिछले 15 वर्षों से सीनियर गेस्ट्रो सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं और इन्होंने कई जटिल सर्जरी की हैं और उन लोगों को नया जीवन दिया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सामान्य सर्जरी हम सुनते हैं ऑपरेशन सर्जरी के बारे में, लेकिन गैस्ट्रो सर्जरी, दोनों में क्या कोई फ़र्क है या एक ही है? सर देखिए, सामान्य सर्जरी जिसको हम MS जनरल सर्जरी भी बोलते हैं, वो किसी भी स्पेशलिटी में जाने के लिए जो पहले एक स्टेप है वो है जनरल सर्जरी, वो सबको करना ही होता है। उसके बाद हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेते हैं अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए। गेस्ट्रो सर्जरी है वो अभी सबसे नया फील्ड है, आज के दिन में पिछले कुछ 15-20 सालों से ही शुरू हुआ है। इसमें हम जो खाने की जो ग्रंथियां हैं, पचाने की जो आहार नाल है, उन सभी की एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेते हैं उनके ऑपरेशन करने के लिए। इसमें खाने की नली से लेके छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, उन सब की जटिल सर्जरियों की भी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो है ये एक स्पेशलाइज विभाग अलग से बना दिया गया है जिसमें हम पेट के लगभग सभी ऑपरेशन और खाने की नली के ऑपरेशन अलग से ट्रेंड होते हैं, वो है गैस्ट्रो सर्जरी। गैस्ट्रो सर्जरी में किस किस तरह के ऑपरेशन होते हैं, क्या बीमारियां होती है? आपने बताया कि खाने से और पाचन तंत्र से संबंधित तमाम चीज़ों का इसमें ऑपरेशन होता है, लेकिन उनमें क्या बीमारियां होती है और किस कब इस यहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होती है? कोई भी बीमारी जो खाने की नली से लेके और मल द्वार तक जो इस पूरे आहार नाल में होती है या इसके साथ संबंधित जो ऑर्गन्स हैं अपने, जैसे लीवर है, पेंक्रियाज है, अपना गॉल ब्लैडर है, उन सब की जो सर्जरीज हैं, तिल्ली की जो सर्जरी है, वो सब भी इसी में आती हैं। इसमें हो सकता है तो चाहे रुकावट हो, चाहे खून का निकलना हो, चाहे कोई गांठ हो जाए या कैंसर का होना हो या कोई पथरी हो जाए, चाहे वो पेंक्रियाज में हो या पित्त की नली में हो या थैली में हो, वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। सब गैस्ट्रो सर्जरी जो है, क्योंकि खाने की तमाम जो ग्रंथियाँ उनसे जुड़ी हुई होती है, उनकी उनके ऑपरेशन इसमें होता है, लेकिन एक कॉमन मैन को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो आहार नाल से लेके मल द्वार तक तमाम जो ग्रंथियाँ हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे? क्या क्या वो चीज़ें सामान्य तौर पे ध्यान रखे जिससे कि उसको कभी गैस्ट्रो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़े? देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि कभी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हाँ, हम कुछ ऐसी सावधानियाँ रख सकते हैं जिसकी वजह से शरीर थोड़ा स्वस्थ रहे। जो हमारे जो खाने की जो आदतें हैं, अभी अपनी जो आदतें हैं, एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं, फिर बहुत लंबे समय तक हम खाना नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं करके हम थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, बार बार खाएं, अपना जो पारंपरिक भोजन है वो थोड़ा ज़्यादा खाएं, बजाय कि जो वेस्टर्न फूड, जो पश्चिमी पिज़्ज़ा बर्गर है, वो अपन ज़्यादा खाने लग गए हैं। और आप देखेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो तो और भी ज़्यादा उसकी तरफ जा रही हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। चाय और ये है, अल्कोहल है, इनको हम कम कर दें, हो सके तो बंद ही कर दें। अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम तो कर ही दें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसके साथ आप कुछ हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, पर आप लगभग ये नहीं कह सकते हैं कि सारा ही बीमारियां आप हटा पाएंगे या सारे ही ऑपरेशन से बच पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको तकलीफ हो तो आप सलाह ज़रूर लें, पर हाँ, आप कुछ हद तक स्वस्थ रह सकते हैं ये सब अपना कर। जब क्या व्यक्ति को, सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको महसूस हो कि भाई क्या तकलीफ उसको शरीर में हो रही है, तो उसको जाके गैस्ट्रो सर्जन को जाके दिखाना चाहिए? सर, हम शुरुआत से बात करते हैं। आप खाने की नली बात करेंगे तो अगर आपको खाना अटकने लग जाए, आप खाना खा रहे हैं तो बार बार आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ने लग जाए, या फिर कभी ऐसा हो कि आपको उल्टी हो और उसमें खून आ जाए, या फिर खून या तो लाल रंग का हो या ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का आ जाए, ये सब तकलीफ हो। अगर आप पेट के अंदर देखेंगे तो खाना खाने के आधे या एक घंटे बाद आपको उल्टी होने लग जाए, खाना खाने के बाद पेट दर्द हो, बार बार ऐसा हो रहा हो कि आपको फ्रेश होने जाना, बाथरूम का यूज़ करना है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, या कभी कभी होता है कि आपको अचानक से पेट में दर्द होने लग गया, चाहे वो आंत के फटने से हो या कोई स्टोन है जो फंस गया हो उसकी वजह से हो रहा हो या इन्फेक्शन हो रहा हो। ये सब तो सामान्य चीज़ें हैं जिनके लिए आपको जाना ही जाना है। कुछ चीज़ें हैं जिनका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। कुछ लोगों में क्या होता है कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है,
आप खाना उतना ही खा रहे हैं, अपना नॉर्मल दिनचर्या का जो काम है वो भी कर रहे हैं, पर फिर भी आप देखेंगे बिना किसी एक्सरसाइज के और बिना किसी एफर्ट के आपका वजन लगातार कम होता जा रहा है, एक चीज़। दूसरा, आपको भूख लगना बंद हो गई है। बाकी सब ठीक है, आप अपना काम पूरा कर पा रहे हैं, पर क्योंकि आपको भूख लगना बंद हो गई है तो आपको थकावट होने लग जाएगी। तीसरा, कभी कभी अपन देखते हैं कि कुछ लोगों को पीलिया हो जाता है, पर ना उनको बुखार आता है ना कोई पेट में दर्द होता है, सिंपल पीलिया होता है। और गाँव में स्पेशली हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि ठीक है ये तो ऐसे ही हो गया है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तीसरा है कि आपको नॉन स्पेसिफिक पेन, जिसको हम बोलते हैं कि हल्का मीठा मीठा दर्द होने लग जाए और लंबे समय से चल रहा हो, ये कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं या ऐसे कुछ लक्षण हैं, ये होने पे हमें तुरंत सलाह लेनी चाहिए। ये कुछ बड़ी बीमारियां जिनको हम कैंसर बोलते हैं या कुछ और तकलीफ, उनके शुरुआती लक्षण हैं। तो अगर हम इन बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ लेंगे तो हम उनका इलाज अच्छे से कर सकते हैं, जबकि वो फैल जाए तो उनके बाद उनका इलाज लगभग नामुमकिन है। तो ये जो छोटे लक्षण हैं इनको भी आप इग्नोर ना करें। तो सब पेट में जो दूसरी जो बीमारियां होती है, क्या वो भी इन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है? देखिए, पूरा शरीर हमारा आपस में कनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको एक ऑर्गन की बीमारी है तो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। बॉडी में आपके कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वो पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करेगा। अगर आपके बॉडी में कहीं एक इन्फेक्शन है तो उससे आपका खून का थक्का जमना बंद हो सकता है, आपकी किडनी पे भी असर आ सकता है, लीवर फेल हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन फैल सकता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि बुखार छा दो दिमाग में चढ़ गया, तो ब्रेन में भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो आप किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें, एक बार सलाह ज़रूर लें, हो सकता है आपकी बीमारी छोटी हो, एक या दो दिन की दवाई से ही ठीक हो जाए, पर आप उसको अवॉइड नहीं करें ताकि वो कोई बड़ा रूप ना लें। सामान्य सर्जरी जो होती है वो और गैस्ट्रो सर्जरी, इन दोनों की तकनीक में क्या फ़र्क है? एक ही तरह की तकनीक होती है या दोनों में कुछ फ़र्क होता है? देखिए, तकनीक आज के दिन जो तकनीक है वो सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप अच्छे से ट्रेन लेते हैं तो उसको कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी जटिल सर्जरीज हैं जैसे जो पेंक्रियाज की सर्जरी हो गई, लीवर की सर्जरी हो गई, पित्त की थैली की सर्जरी आप देखेंगे तो हर कोई कर रहा है, पर पित्त की जो नली की सर्जरी हो गई, ये सब सर्जरीज के लिए जो गेस्ट्रो सर्जरी जो डिपार्टमेंट होता है या गेस्ट्रो सर्जन जो होता है वो वेल ट्रेंड होता है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा और आपको और बेहतर रिजल्ट दे पाएगा कंपेयर टू जनरल सर्जन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल सर्जन उसको अच्छा नहीं करेंगे, कुछ जनरल सर्जन ऐसे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, उसके लिए वो भी ट्रेंड है, पर क्योंकि पर्टिकुलरली गेस्ट्रो सर्जन उसी फील्ड के लिए ट्रेंड है तो वो उसको ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। आमतौर पे कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें गैस्ट्रो सर्जरी की ज़रूरत ही पड़ती है, कि ये बीमारी है इसमें इसका एक उपचार सर्जरी ही है? जैसे आप खाने की नली का कैंसर है, उसका आप रूटीनली देखेंगे जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो सब चीरा लगा के ऑपरेशन कर रहे हैं, पर अगर हम उसका जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो दूरबीन से कर रहे हैं। लगभग 15 से 16 ऑपरेशन पिछले एक या डेढ़ वर्ष में हम यहाँ कर चुके हैं, सब सफल ऑपरेशन किए हैं, उसमें मरीज़ का रिकवरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ब्लीडिंग का चांस कम हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है, तो वो हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। आप पेंक्रियाज के कैंसर पे आएंगे तो रूटीनली लगभग जनरल सर्जन उसको अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं, वो एक डिफ़िकल्ट सर्जरी है, पर हम उसके लिए ज़्यादा ट्रेंड है। तो जो विपल सर्जरी है या फिर सेंट्रल पेंक्रियाटेक्टमी है वो हम यहाँ कॉमनली करते हैं, लगभग 60 से 70 विपल सर्जरी हम यहाँ कर चुके हैं सफल, वो हम रूटीनली करते हैं। पित्त की थैली का जो कैंसर है उसमें हमें एक लीवर का भी पीस साथ में निकालना होता है, तो जनरल सर्जन यूजुअली वो सर्जरी नहीं करते हैं, या फिर लीवर का खुद का कैंसर जिसमें एक लीवर का एक बड़ा हिस्सा निकालना पड़ता है, वो सर्जरीज हम सामान्य तौर पे ही करते रहते हैं। तो कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो हम रूटीनली करते हैं इसलिए, और क्योंकि हम उसके लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड हैं तो हम उसका एक रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा दे पाते हैं। आप देखेंगे तो पेंक्रियाज की जो ग्रंथि है उसके अंदर अगर स्टोन बन जाती है, यूजुअली जो लोग ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक लेते हैं उनको ऐसा होता है, या फिर बार बार पेंक्रियाज की उसमें इन्फेक्शन होता है तो ऐसा होता है, उस केस को भी आप देखेंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हैं, हम उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ भी हमने लगभग 12 से 15 ऐसे केस किए हैं, अभी तक सब पेशेंट एकदम ठीक है। तो वो लोग कुछ जनरल सर्जन हैं जो ये केस करते हैं, कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करते हैं, पर क्योंकि हम उस चीज़ के लिए ट्रेंड है तो हम उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। गैस्ट्रो सर्जरी किसी भी मरीज की होती है, सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद में क्या ऐसी सामान्य बातें हैं जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, आप उसको ऐसे मत मानिए कि वो गेस्ट्रो सर्जरी के बाद ही है, लगभग सभी सर्जरी के बाद ऐसा होता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें आप लगभग 1 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दें, आपकी लंग की जो कैपेसिटी है वो अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। आप जब बेहोश होंगे और बेहोशी से बाहर आएंगे तो आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी। आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो छोड़ दें, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ले रहे हैं या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो हम उनको एडवाइज़ करते हैं कि आप 15 या 20 डेज के लिए सिर्फ लिक्विड डाइट लें, तो उससे लीवर के जो लोब जिसमें फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में सर्जरी करना ईजी हो जाता है और सर्जरी का जो आउटकम है वो भी थोड़ा अच्छा आता है। आफ्टर सर्जरी क्या उसको प्रिकॉशंस रखने होते हैं? सर, आफ्टर सर्जरी प्रिकॉशंस हर सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पित्त की थैली का ऑपरेशन किया तो हम एडवाइज़ करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना अभी मत खाइए और थोड़ा थोड़ा खाना खाइए और बार बार खाइए। उसी की जगह अगर हम पेट का ऑपरेशन करते हैं या फिर आंत का ऑपरेशन करते हैं तो फिर हम उनको एडवाइज़ करते हैं कि आप एक स्लो पेस पे करिए। हम 30 ml पानी पिलाने से शुरू करते हैं और लगभग अगले 5 या 6 दिन में उनको फुल डाइट पे लेके जाते हैं। उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं कि वो एक नॉर्मल सॉफ्ट डाइट ले, हल्की डाइट ले, वो सब हम एडवाइज करते हैं। कितना जो अगर यहाँ पे गेस्ट्रो सर्जरी के रूप में किसी का ऑपरेशन हुआ है कितना समय उसको हॉस्पिटल में रखते हो और उसको लेके किस तरह के प्रिकॉशंस जो है वो यहाँ पे रखे जाते हैं? देखिए, फिर हम वही उसी टॉपिक पे आते हैं। सिंपल पित्त की थैली का हम ऑपरेशन करते हैं तो हम 24 आवर में ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। 99.9% ये सब सर्जरी दूरबीन से होती है, तो मरीज 4 घंटे बाद ही चलना फिरना शुरू करता है और अपना खाना लेना शुरू कर देता है, अगले दिन हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। उसी के विपरीत हम देखेंगे, जैसे हमने अभी बात की विपल सर्जरी की, पेंक्रियाज के कैंसर की, तो वो सर्जरी खुद ही 4 से 6 घंटे की होती है, तो पेशेंट की रिकवरी में टाइम लगता है। हम उसको 1 से 2 दिन ICU रखते हैं, 3 से 4 दिन वार्ड में रखते हैं, तो लगभग 6 ऑपरेशन के भी 4 से 6 दिन हम उसको अस्पताल में रखते हैं। उसमें फिर हम उसको धीरे 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 खाना देना शुरू करते हैं। तो ये सर्जरी टू सर्जरी वेरी करेगा, पर हाँ, जो सिंपल सर्जरीज हैं, अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, उसमें हम लगभग 24 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। यूजुअली 7 डेज में सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, अनलेस देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। हेलो डॉक्टर, में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी गेस्ट्रो सर्जन डॉक्टर विकेश जोशी से वार्ता का दौर जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ में है पीएमसीएच के सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर विकेश जोशी। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने तमाम बीमारियां बताई वो रेयर बीमारियां होती है, संभवतः कम लोगों में होती है, लेकिन क्या ऐसी कोई सामान्य बीमारी भी है जिसको लेके कि अगर कोई परेशानी हो या उसके कोई लक्षण अगर नज़र आए तो उसमें गैस्ट्रो सर्जन से जाके मिलना चाहिए? आप सही कह रहे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में अपन ने बात की, वो सब बहुत ही कम लोगों में होती हैं। सामान्य तौर पे आप बात करेंगे जो गैस्ट्रो सर्जरी का स्कोप है उसमें आप सिंपली लेंगे तो पित्त की थैली में पथरी है, अपेंडिक्स पे सूजन आना है, आंत में रुकावट है या फिर आंत में फट जाना है। उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बीमारियां जैसे पाइल्स या मस्से की बीमारी है, फिस्चुला की बीमारी है, उल्टी होने की या फिर एसिडिटी की बीमारी है, ये सब बीमारियां हैं जो आमतौर पर बहुत कॉमन है, उसके लिए भी आप गैस्ट्रो सर्जन की सलाह ले सकते हैं। पित्त की थैली का जैसे ऑपरेशन है वो लगभग सबसे सामान्य और कॉमन होने वाला गैस्ट्रो सर्जरी का ऑपरेशन है, वो दूरबीन से होता है। लगभग सभी मरीजों का ये ऑपरेशन दूरबीन से संभव हो जाता है और हॉस्पिटल स्टे भी ऑपरेशन के बाद लगभग 24 घंटे का ही रहता है। इसी तरह आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन देखेंगे, चाहे वो नॉर्मल अपेंडिक्स हो या फिर अपेंडिक्स फट गई हो या मवाद बन गई हो, वो सभी भी लगभग हम यहाँ सभी दूरबीन से ही कर रहे हैं और 1 से 2 दिन के स्टे में ही पेशेंट घर चला जाता है। आप आंत में रुकावट या फिर आंत का फटना वो देखेंगे तो वो भी दूरबीन से भी संभव है या फिर किसी किसी केस में चीरा लगा के भी वो ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। लगभग सभी मरीज ठीक हो जाते हैं और ये सब जो बीमारियां हैं ये भी गैस्ट्रो सर्जरी के स्कोप में ही आती हैं। इसके अलावा सामान्य तौर पर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट बर्न जिसको हम बोलते हैं, और वो काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, हो सकता है कि एक समय के बाद उनके दवाइयों का असर आना भी बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी सर्जरी का ऑप्शन है, फंडोप्लाइकेशन का ऑप्शन है, वो भी दूरबीन से ही संभव है और एक गैस्ट्रो सर्जरी के स्कोप में ही आता है। तो ये सब बीमारियाँ जो आम तौर पर लगभग हर घर में मिलती हैं वो भी गैस्ट्रो सर्जरी के स्कोप में ही आती हैं। उम्र के साथ आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को हर्निया की बीमारी हो जाती है, जब जब मसल वीकनेस होती है या फिर किसी ऑपरेशन के बाद हर्निया की बीमारी हो जाती है, वो भी गैस्ट्रो सर्जरी के स्कोप में ही आता है। आप उसका दूरबीन से और चीरा लगाकर दोनों ही तरह का ऑपरेशन करा सकते हैं और इन ऑपरेशन में सफलता भी लगभग 100% के आसपास है, क्योंकि इनमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खतरे वाले ऑपरेशन नहीं है। जब तक कि मरीज को एडिशनल कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो तो सामान्यतः ये ऑपरेशन बहुत अच्छे से होते हैं और पेशेंट को उसके बाद जो रिलीफ है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। डॉक्टर साहब, ये तो सामान्य गैस्ट्रो सर्जन सर्जरी की बात होती, क्या कोई ऐसी रेयर बीमारी भी होती है जिसका ऑपरेशन बड़ा जटिल होता है, काफ़ी सावधानी से उसको करना पड़ता है, क्या इस तरह के ऑपरेशंस आपने यहाँ पर किए हैं? ऐसे भी काफ़ी ऑपरेशन है, जैसे एक अभी अपन ने बात की क्रोनिक पेंक्रियाटिस, पेंक्रियाज या अग्नाशय, वो हमारी बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है खाना पचाने के लिए। अगर वो ख़राब होगा तो आपको डायबिटीज़, शुगर की बीमारी होगी और खाना नहीं पचेगा, आपकी सेहत कमज़ोर होती चली जाएगी। तो या तो पित्त की थैली में पथरी होने की वजह से या फिर अल्कोहल लेने की वजह से पेंक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है, और अगर जब वो बार बार होती है तो वो क्रोनिक पेंक्रियाटिस का रूप ले लेती है। उसमें क्या होता है कि पेंक्रियाज के अंदर भी स्टोन बन जाते हैं, उनको निकाल के और पेंक्रियाज के जूस को एक बाईपास प्रोवाइड करना, वो एक काफ़ी जटिल ऑपरेशन है। दूसरा एक बीमारी है कोलिडोकल सिस्ट, उसमें पित्त की जो नली है वो फूल जाती है, वो बचपन से ही फूली होती है, वो आगे जाके कैंसर भी कर सकती है और उससे पहले आपको बार 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 पीलिया भी करती है। तो जैसे ये दोनों ऑपरेशन होकर अपन बात करते हैं, तो ये दोनों ऑपरेशन काफ़ी जटिल हैं, काफ़ी सावधानी से करने पड़ते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी चूकते हैं तो पित्त निकलना या पेंक्रियाज के जूस का निकल गया और पेट में एकत्रित इकट्ठा होना की संभावना बढ़ जाती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। तो ये जो दोनों ऑपरेशन है या इसके सिमिलर जो ऑपरेशन है उनको काफ़ी बारीकी से करना पड़ता है। क्या आपने यहाँ पर किए हैं और कितने ऑपरेशन जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे सफलतापूर्वक हुए? काफ़ी कम होते हैं जो क्रोनिक पेंक्रियाटिस के हैं, लगभग 15 से 16 हमने यहाँ अभी ऑपरेट किए हैं, और कोलिडोकल सिस्ट भी लगभग 12 सर्जरीज हमने यहाँ की है। सभी मरीज अभी स्वस्थ हैं, अभी तक यहाँ हमारे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है बाय गॉड ग्रेस, बट हाँ करना इनको सावधानी से ही पड़ता है। गैस्ट्रो सर्जन सर्जरी की बात करें तो किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप हुई है, क्या कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी की जो मरीज को कम पेनफुल हो और वो ऑपरेशन हो पाए? देखिए, दूरबीन से आजकल हम सभी
वाकिफ है। लगभग हम भी जाते हैं तो पहला सवाल यही पूछते हैं कि ऑपरेशन दूरबीन से होगा अगर पेट का ऑपरेशन है तो सबसे अच्छा तो है कि आप दूरबीन से जो भी ऑपरेशन हो सके आप उससे करा लें। उसके अलावा भी आगे तकनीक, अभी जैसे रोबोटिक सर्जरी की तरफ लोग जा रहे हैं, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, पर रोबोट थोड़ा और एडवांस है, सर्जन फ्रेंडली है। पर अभी आप इस लेवल की, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे तो हम जो ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशन है वो दूरबीन से कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग आम भाषा में लेजर का ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसमें चाहे वो पित्त की नली का हो, चाहे खाने की नली का ऑपरेशन हो, चाहे पेट का ऑपरेशन हो, चाहे अपेंडिक्स का हो, आंतों में रुकावट का हो, या फिर आंत फटने का हो, इवन छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर का और खाने की नली के कैंसर का, ये सब ऑपरेशन भी अभी दूरबीन से ही हो रहे हैं। जब दूरबीन से ऑपरेशन होता है तो मरीज को जो चीरा लगता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसमें उसकी रिकवरी है वो बहुत जल्दी होती है। जब मरीज जल्दी चलना फिरना शुरू करता है तो वो ठीक जल्दी होता है, वो जल्दी खाना पीना शुरू करेगा, जल्दी चलना शुरू करेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो पेन भी कम होगा और मरीज का जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी छोटा हो जाता है और उसकी रिकवरी अच्छी होती है। अब गैस्ट्रो से संबंधित जो बीमारी है अगर उसकी हम बात करें तो क्या ये एज फैक्टर के हिसाब से होती है कि नहीं, कम उम्र के बच्चों में या जो यूथ है उसमें भी ये बीमारी हो सकती है, या एक 40-50 साल के बाद में आपको ये बीमारियाँ होगी? नहीं, देखिए हर बीमारी का एक अलग एज स्कोप होता है। आप जैसे पित्त की थैली है का पथरी होना है, कोलिडोकल सिस्ट जिसकी अपन ने बात की वो है, अपेंडिक्स का होना, ये सब यंग एज में होती हैं। पर आप देखेंगे आजकल जो कैंसर जो हो रहे हैं वो सामान्यतः उम्र दराज लोगों में ही होते हैं, कुछ कुछ यंग पीपल्स में भी अभी सामने आ रहे हैं, पर आप फ्रीक्वेंसी अगर चेक करेंगे तो जैसे हर्निया हो गया, कैंसर हो गया, ये सब उम्र दराज लोगों में ज़्यादा होते हैं, जबकि जो सामान्य पित्त की थैली का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, ये सब कम उम्र में ज़्यादा होते हैं। तो उसका आपने भी कैंसर की बात की, तो ये तमाम जो आहार लेने से लेकर और मलद्वार तक ये तमाम जितनी भी ग्रंथियाँ होती है इनमें कैंसर अगर हो जाए तो क्या वो कितना घातक है और क्या उसका इलाज संभव है गैस्ट्रो सर्जरी के जरिए? देखिए ये बीमारियां हैं वो भी गैस्ट्रो सर्जरी के स्कोप में ही आती है। हमने शुरू में बात की थी कुछ ऐसे लक्षण जिनको हम सामान्य मानते हैं, हल्का दर्द होना, थोड़ा वजन कम होना, भूख कम लगना, हल्का फुल्का पेट फूलना, कि जब बात कर रहे थे कि उनको इग्नोर नहीं करें, वो सब लक्षण हैं वो सामान्यतः कैंसर के लक्षण हैं, किसी अदर बीमारी में भी हो सकते हैं पर सामान्यतः कैंसर के लक्षण हैं। और जब एक बार कैंसर होता है तो हम आजकल देखते हैं उसके बहुत सारे इलाज संभव हैं, रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन वाला जो पार्ट है वो गैस्ट्रो सर्जरी के अंदर ही आता है। अब खाने की नली का ऑपरेशन है जो हम वेट्स प्रणाली से करते हैं, लीवर के कैंसर का ऑपरेशन है, पेंक्रियाज के कैंसर का ऑपरेशन है जिसको हम विपल्स प्रोसीजर बोलते हैं, वो लगभग आप ये मानिए कि सबसे बड़ा ऑपरेशन वही माना जाता है, वो भी लगभग हम यहाँ 60-70 कर चुके हैं। खाने की नली का ऑपरेशन है, छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर का ऑपरेशन है, मलद्वार का जो कैंसर है उसका ऑपरेशन है। अब जहाँ मलद्वार से जस्ट ऊपर का जो कैंसर होता है उसमें आजकल हम कोशिश करते हैं कि मलद्वार को नहीं निकाला जाए, तो उसमें स्टेपलर के थ्रू एनास्टोमोसिस करके एडवांस टेक्निक से उसको भी हम मलद्वार को बचा रहे हैं, ताकि उस कंडीशन में क्या हो कि पेशेंट को जिंदगी भर के लिए एक जो पेट के ऊपर मलद्वार बनाना पड़ता है वो हमेशा के लिए नहीं रहे, 4-6 सप्ताह रहे, तब तक हम नीचे का रास्ता है वो ठीक हो जाता है ताकि हम उसको वापस जोड़ पाएँ। पेंक्रियाज का जो कैंसर है, इसमें जो तिल्ली के पास का कैंसर है उसमें तिल्ली को बचा के फिर पेंक्रियाज के कैंसर का ऑपरेशन करना, वो भी आजकल संभव है। छोटी आंत बड़ी आंत का जो है वो भी हम आजकल दूरबीन की प्रणाली से ही यहाँ कर रहे हैं। तो जो कैंसर है उसका आहार नाल का और उसके साथ जो संबंधित जो ग्रंथियाँ हैं उनका जो दोनों का स्कोप है वो गैस्ट्रो सर्जरी में ही आता है। इनमें रिस्क फैक्टर कितना रहता है, सक्सेस रेशियो की अगर बात करें इन ऑपरेशंस की जो कि कैंसर से जुड़े हुए हैं वो कितना रहता है, और क्या फिर से जो मरीज का जिसका ऑपरेशन हो गया क्या फिर से उसके ऊपर उस बीमारी के आने का खतरा रहता है? हम इसको तीन चरणों में बात करते हैं। सबसे पहले कि सक्सेस रेट क्या रहता है, इन कैंसर्स में क्या होता है कि अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस होते हैं तो सर्जरी का अच्छा रोल है, अदरवाइज़ पेंक्रियाज और लीवर और जो गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है वो अर्ली स्टेज में काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है, क्योंकि इन कैंसर्स में कोई दूसरा इलाज पूर्णतः संभव नहीं है, तो जब तक हो सके सर्जरी से पूरा इलाज हो सके तो वो करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये बीमारियाँ लेट स्टेज में डायग्नोस होती हैं, जब लेट स्टेज में डायग्नोस होती हैं तो उनमें सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती या फिर हेल्पफुल नहीं होती। उसके अलग आप देखेंगे तो जो छोटी आंत बड़ी आंत के जो कैंसर हैं उनका इलाज है
वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि वो आप अर्ली स्टेज में जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं। आपकी आँख में अगर रुकावट आएगी या खून आएगा या फिर पेट फूलेगा तो हम जल्दी नोटिस कर लेते हैं उसको, तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होती है, तो उस केसेस में उसका इलाज भी ज़्यादा अच्छा संभव है और उनमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का भी अच्छा रोल है। तो जब हम कंबाइंड सर्जरी और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करते हैं तो उनका इलाज संभव भी है और काफ़ी लंबे समय तक आप बीमारी से मुक्त रहते हैं। सर PMCH की बात करें तो यहाँ पर गेस्ट्रो सर्जरी जो डिपार्टमेंट है उसको किस तरह से डेवलप किया गया है, किन एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अपन लाए हैं ताकि यहाँ आने वाले मरीज को बेहतर उपचार मिल पाए। देखिए PMCH की आप बात करें तो पिछले 5 साल से यहाँ लगभग गेस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट चल रहा है। 5 साल में हमने लगभग 3,000 के आसपास सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। आप ये देखेंगे तो हमने, जैसे हमने अभी बात की, 50 से ज़्यादा, लगभग 60 से 70 हमने विपल्स का ऑपरेशन किए हैं, 15 से 20 हमने क्रोनिक पेंक्रियाटिस के ऑपरेशन किए हैं, 16 से 17 हमने लगभग वेट्स जो खाने की नली के जो दूरबीन से किए हैं वो किए हैं, उसके अलावा भी हमने लगभग 15 से 20 ऑपरेशन किए हैं। उसके अलावा जो सामान्य ऑपरेशन की जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ 4K HD हाई डेफिनेशन का सिस्टम अवेलेबल है, कुशा अवेलेबल है लीवर सर्जरीज के लिए, हमारे पास जो एडवांस खून को रोकने के लिए ताकि खून का प्रवाह ना हो, नलियाँ कटे नहीं, उसको बचाने के लिए लिगाशोर की जो मशीन है वो भी अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ लगभग सब कुछ अवेलेबल है। मेडिकल गेस्ट्रो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है तो उसमें ERCP, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की सुविधा अवेलेबल है, मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU की। और अगर आप एक्सेसरी डिपार्टमेंट्स में देखेंगे तो हमारे पास CT, MRI, MRCP, सोनोग्राफी और सभी तरह के ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो हमारे पास लगभग सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं PMCH में गेस्ट्रो से रिलेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीनियर गेस्ट्रो सर्जन डॉक्टर VKS जोशी, जिन्होंने गेस्ट्रो सर्जरी के बारे में हमें जानकारी दी और अगर किसी मरीज की ये सर्जरी हुई है उसको किस तरह से ध्यान रखना है और साथ ही साथ बीमारियों से किस तरह से बचा जाए, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। जुड़े रहिएगा हेलो डॉक्टर की हमारी श्रृंखला से। अगले एपिसोड में हम और किसी वरिष्ठ चिकित्सक से बात करेंगे और बताएंगे कि आप अपने आप को किस तरह से स्वस्थ और हेल्दी रख पाते हैं। धन्यवाद।